सो क्यूटीज, अभी आपको मैं किसी से मिलवाने वाली हूँ। और कार तो उसने बुक कर रखी है, लेकिन डेली एक एक नई नई कार लेके आता है। और कैसे लग रहा है? सो गाइस, ये तुम्हारा चीता, ये देखो कैसी लगी मेरी गाड़ी। पोर्शे से उतर गया, हमें भी चलाने का मौका दे दो भैया। अरे खरीदी है भाई, ऐसे कैसे? अरे हमें भी चलाने का मौका दे दो, हम भी देख लिया भाई, ऐसे कैसे? पता है मिडिल क्लास हो या रिच क्लास हो, क्लास होनी चाहिए। क्यूटीज, तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम आए हैं फ्यूजन कार पे, और ये रहा रचित। और यहाँ पर गाइज हम देखने आए हैं मेरे लिए कार, सुपर कार तो नहीं बट कोई अमेजिंग कार। तो अब देखना ये है हम लेंगे क्या। ये रही पोर्शे जो कि आज रचित यहाँ से लेके कल्टी होने वाला है। और ये पता नहीं कौन सी कार है, मुझे इसका नाम तो नहीं पता है, पर बहुत ही मुझे मस्त लग रही थी। काश मेरा इतना बजट होता कि मैं ये ले पाती, बट ठीक है, रचित तो ले ही लेगा, घर में तो आनी है, वो लाए या मैं लाऊं, चलाऊंगी तो मैं ही। सो गाइज, रचित आया था फ्यूजन कार पे, तो अभी ये पोर्शे लेके जा रहा है। आपको तो पता है कि कितनी कार लेके जाता रहता है, आज आता हूं, ले जाता आता है ले जाता है, मेरे को लगता है मेरा ये। हाँ, तो आज ये ले जा रहा है, आज ही ले जा रहा है येलो कलर की पोर्शे। हम वैसे आए क्योंकि यहाँ पे मेरे लिए कार सिलेक्ट करना है ना। सिब्बू भी गाड़ी लेने वाली है, सबके लिए एक सरप्राइज है। अभी नहीं सिब्बू के लिए कार लेने आए थे, फिर ये हुआ कि इसको चला के देखेंगे, इससे पता एक आइडिया हो जाएगा मुझे, बहुत बहुत चीजें आइडिया हो जाएगी भाई। अब हमारे हम ये भी जानते हैं कि ये पहली लड़की यूट्यूबर आने लगी है जो गाड़ियों की वीडियो डालना शुरू होने वाली है, तो डू एंड सब्सक्राइब द चैनल। देखा, यही कहना है ना। पता है क्या आइडिया हो जाएगा, मुझे आइडिया हो जाएगा, मैं इसको घर लेके जाऊंगा ना गाँव में, की चलेगी, कितनी चलेगी, चलेगी नहीं चलेगी तो धक्का मार के चला देंगे। क्यों? क्योंकि इस गाड़ी की एक खासियत है, और वो सिर्फ हम सिब्बू के ब्लॉग में बता रहे हैं, रचित को भी नहीं पता। आओ इसके आगे हम इंजन दिखाते हैं आपको। खोलो भी आगे, आओ जी सिब्बू जी, आपको भी दिखाएं। खोलो जी, ये देखो गाड़ी में इंजन नहीं है, नहीं है, जैसे बाकियों का पीछे होता है, कहीं पीछे तो नहीं है। हाँ। इसका पीछे हो सकता है? नहीं है, देखा था मैंने, देखा था ना। हाँ। ना आगे ना पीछे, इसको धक्का मार के चला देंगे, जिसकी नजर होती है ना उसको दिख जाता है इंजन। ये भी नहीं है, लो भाई, लो भाई, ये दादा बेइज्जती कर रहा तो थी बुकी है। अब ले, ये भी नहीं है भाई, बैटरी है, बैटरी। तो मैं बताता हूँ कहाँ है। हाँ। कहीं तो होगी नहीं। तो देखो ये रहा इंजन, यहाँ है ये, हाँ ये रहा। अच्छा ये है, ये है इंजन, यहाँ है ये, इस पीछ इस पूरे कॉकपिट के नीचे आता है ये रहा, यहाँ से इसकी हीट निकलती है दोनों तरफ, ये सरप्राइज है इसमें। देखो पीछे भी दिखा दो भी अपने व्यूअर्स को, कहीं उनको लगे पीछे है। हाँ, नहीं पीछे है, भी नहीं है, दिखाई थी आपने, ये दिखाना जरूरी है, दिखा दो एक बार के लिए। ये देखो पीछे मेरा बैग है, पीछे भी नहीं, ये क्या रखा है, ये कवर होगा, ये बॉडी कवर है। अच्छा, तो ना आगे इंजन ना पीछे इंजन, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गाड़ी रुकेगी तो धक्का मार के कर देंगे जिसमें इंजन ही नहीं। क्या घबराना, मुझे तो ये वाली कार पसंद आई थी, वन इन इंडिया। हाँ, मेरे को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया तो, क्योंकि मुझे नॉलेज है नहीं उसके बारे में, तो आप शुरू होगी ना, अब सिब्बू बन रही है, आज तो हम ये लेके जा रहे हैं। अब सिब्बू का चैनल गाड़ियों का चैनल होने जाना है, आपको जो मैंने बोला वो कर देना, आप वो तो हो जाएगा। अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि अगली गाड़ी सिब्बू कौन सी चलाए, वही गाड़ी अगली चला के दिखाएगी रचित के थ्रू चलाएगा वो। नहीं, रचित ने मेरे को प्रॉमिस किया है कि मेरे को सुपर कार चलवाएगा, साथ ले जाके बिल्कुल चलाएगा जब वो खरीद लेगा। मैन विल बी मैन, गर्ल्स विल बी गर्ल्स। नहीं नहीं, आपसे चलवाएगा ये प्रॉमिस है, या तो कोई मेरे पास 20-25 लाख की मिनी कूपर आ गई वो चलवा लेंगे, हम सारे दिल पे पत्थर रख लेंगे। नहीं तो बड़ी अगर सुपर कार चलाने का दिल है तो 10 दिन की बात है, रचित की आने वाली है, खुल के चलाना। आज रिवील कर दिया, देख लो रचित 10 दिन में आने वाली है। नहीं, आने तो वाली है, ये तो हम पहले रिवील कर चुके हैं, कौन सी रिवील तो हमने कर ही रखा है, एडवांस आ चुका है, सब कुछ आ चुका है। तो कब ले रहे हो, बर्थडे पे ले रहे हो, रक्षाबंधन पे ले रहे हो, या 20 मिलियन पे ले रहे हो, कब ले रहे हो? 20 मिलियन पे तो टाइम हो जाएगा। 12 मिलियन का वादा था, 12 मिलियन पे ले रहे हैं, और दूसरे वाले उस पे 1 मिलियन होने थे, उस पे कितने रह गए? उस पे रह रहे हैं अभी मेरे ख्याल से 70-80 हजार। यार जल्दी कर दो, मैं सच कह रहा हूँ, उसी दिन मैं इसको फोन मार के कहूंगा ले भाई, उस पे भी बल्ले डिलीवरी अच्छी करवाना, बस उससे पहले आ जाएंगे। है भैया, डिलीवरी अच्छी करवाना। डिलीवरी के लिए हम बैठ के प्रॉपर प्लानिंग करेंगे कि आप लोग कैसी चाहते हो, क्या प्री वेडिंग शूट करा दें, ऐसा करा दें, कैसी कहोगे वैसी कराएंगे।
प्लान करेंगे उसे लेके, प्लान करेंगे और अच्छा प्लान करेंगे, बैठ के डिस्कस करेंगे, एक दो दिन लगेंगे उस प्लानिंग एंड प्लॉटिंग पे पूरी, फिर डिलीवरी प्लान होगी कि हाँ गाड़ी जाएगी तो गाजे बाजे के साथ और धूम धड़क्के के साथ। निकालो जी बॉक्सर बाहर निकालो जी, भैया चलाएंगे हम पोर्शे सुपर कार, जो कि ब्रचित रिवील नहीं कर रहा है ये ले रहा है कौन से ले रहा है पता नहीं, मैं खुद कंफ्यूज हूँ, बस मैं तो बस सुपर कार में बैठ के घूमती हूँ। बाय बाय। सो गाइस हम लोग पोर्शे लेके निकल चुके हैं टेस्ट ड्राइव पे, टेस्ट ड्राइव जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, घर जा रहे हैं। ओ घर ही जा रहे हो तुम कार लेके? यार ये ना रचित हमेशा ऐसे करता है, और कार तो उसने बुक कर रखी है लेकिन डेली एक एक नई नई कार लेके आता है और घर चला जाता है 3-4 दिन तक। तो सही है ना, क्या दिक्कत है? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो यार मैं अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम पोर्शे में बैठी हूँ ना, पोर्शे में फर्स्ट टाइम बैठी हूँ ना, टू सीटर और सुपर कार में तो बैठी हूँ। फर्स्ट टाइम क्यों बैठी है? जब हम सबसे फर्स्ट टाइम फ्यूजन कार पे आए थे तब हमने इसकी टेस्ट ड्राइव ली तो थी, रेड कलर की थी जो पोर्शे। अच्छा हाँ। बट घर लेकर नहीं गए थे तुम? मैं इसको इसलिए घर लेके जा रहा हूँ, बेसिकली मेरा घर ले जाने का वो रीजन है कि जो मैं सुपर कार ले रहा हूँ ना वो मेरे गांव में मेरे घर में पहुँच जाएगी या नहीं। अच्छा। तो ये अगर पहुँच गई तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हाँ वो भी जा सकती है। मेरे को तो कोई टेंशन नहीं है, रचित जितनी भी कार लेता है सबके मजे मैं ही लेती हूँ। बट ठीक है, मैं भी यार बहुत जल्दी कार लेने वाली हूँ जो की पसंद करेगा रचित। मैं, मेरी पसंद, क्योंकि आपको पता है मेरी पसंद तो अलग ही होती है। सही बात है भाई, रचित पसंद करेगा और रचित बताएगा मुझे कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, बिकॉज मेरे को गाड़ियों की बिल्कुल नॉलेज नहीं है। आपको पता ही है एक ब्लॉग में हमारी कैसे बहस हुई थी गाड़ी के ऊपर। कौन सी गाड़ी के ऊपर? अरे तुम कह रहे थे ना वो कन्वर्टेबल है वो ले लो पता नहीं कौन सी। हाँ। फिर लास्ट में हमारे ब्लॉग में लड़ाई नहीं हो गई थी? हाँ। तुमने बोला कि वो कन्वर्टेबल है ही नहीं तो क्या लू, कौन सी गाड़ी, देखो नाम भी भूल गई मैं, मस्टैंग, जीटी मस्टैंग पता नहीं, हाँ वो वाली। सो गाइस सुपर कार में फर्स्ट ड्राइव, नहीं फर्स्ट ड्राइव तो नहीं है यार, मेरी कई सारे ड्राइव हो गए यार, काफी दिन के बाद ड्राइव। हाँ काफी दिन के बाद यार, फ्यूजन कार में थर्ड टाइम आई हूँ ना शायद। हाँ भाई मैं तीसरी बार आई हूँ फ्यूजन कार। हवा नु चीर दा पे लगे बाजी चों जहर, हाथ नी आंदा जट नी फड़ लैंदे इफ दे कट, गैसोलीन ना फुला टंकी हाथों विच बूझिया महंगी दे लौंदे जांदे अड़ी लिटा नाल कितियां तारे चढ़े सरां नूं परे जांदी उठ की फरां दी वेटे लिटा नाल कितियां तारे चढ़े सरां नूं परे जांदी भैया से। पता है आज मेरे को कोई फैन मिला था। कौन? पता है क्या कह रहा? कह रहा आप तो सिब्बू दीदी के भैया हो ना। मैंने कहा हाँ। सारा टाइम भैया भैया करती रहती हूँ। तो मैं भैया घोषित हो चुका हूँ ऑफिशियली। भैया ये ट्रेंड मैंने स्टार्ट किया था ना, वैसे लोग बोलते थे सर आशीष जी सर सर करते थे, क्योंकि मैं ना जब शोशो पुल से कनेक्ट हुई थी ना तो मैं बहुत छोटी थी, मेरे से सारे बड़े थे, तो मैं ना भैया भैया बोलती थी, तो भैया भैया सब भैया ही बोलने लगे। तो भाई रचित अभी कौन सी गाड़ी में गया है? रचित मर्सिडीज में, मर्सिडीज में गया है और अपने दोस्त के साथ, और जो है भैया ने बोला मैं टेस्ट ड्राइव लूंगा, मैंने कहा चलो भाई बट मैं नहीं उतरूंगी, मैं आपके साथ चलूंगी, क्योंकि भाई पोर्शे खरीदनी है हमें, यही पोर्शे बमबारी होने वाली है। हाँ तो रचित तो जब भी जाता है फ्यूजन पे एक नई कार ले आता है, चार टेस्ट ड्राइव भी तो करनी है उसे, 4-5 दिन खूब चलाता है। और कैसे लग रहा है? सो गाइस ये है तुम्हारा, कैसे लग रहा है? कैसे लगी मेरी गाड़ी? पोर्शे से उतर गया, हमें भी चलाने का मौका दे दो भैया। अरे खरीदी है भाई ऐसे कैसे? अरे हमें भी चलाने का मौका दे दो, हम भी देख लिए भाई ऐसे कैसे, देख लोग रिक्शा रोक रोक के देख रहे हैं भाई, वो देखो वहाँ ले जाके वहाँ पे खोल लेना, वहाँ जो चौड़ा रोड होगा वहाँ जाम भी नहीं होगा, और गाड़ी के इस तरफ रखना भैया, कह रहे हैं मैं चलवाऊंगा तुझे।
भैया ने बोला मैं चलवाऊंगा तुझे। हाँ तो वो तो मैंने भी बोला था, पर खाली रोड पे, क्योंकि इसने आज तक ऑटोमेटिक ड्राइव नहीं करी ना। क्या इसमें कुछ आई नहीं? ऑटोमेटिक तो सबसे इजी है। इजी है, बट हम अपने आप से हिसाब लगाओ, जब हमने फर्स्ट टाइम ऑटोमेटिक चलाई थी तो क्लच का पैर उठता है थोड़ा सा, तो इसीलिए। कोई नहीं, ट्रेंड है सिब्बूगिरी, ऐसे ही थोड़ी ना आग लगा देंगे। ये चीती चीती। अरे तो एक वीडियो दिखाऊं क्या? फर्स्ट वीडियो दिखाऊंगा इंस्टाग्राम पे, देख देख एक वीडियो दिखाऊंगा मैंने इसको भेज दी रचित को। ओ भाई एक और शेरनी आ गई पता तेरे? क्यों कौन? इंस्टाग्राम पे एक शेरनी आ गई, दिखाओ एक सेकंड। अरे कौन? सो गाइज अभी मैं और भैया हम लोग आए हैं ये पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने। हाँ अभी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाएंगे, उसके बाद हम आराम से घूमने फिरने जाएंगे। घूमने फिरने जाएंगे, क्या डिनर विनर का प्लान है? आज डिनर करने चलते हैं वहाँ पे, क्या कहते हैं वो मूर्थल। मूर्थल? हाँ चलो। मूर्थल के पराठे कितने टाइम पहले खाए थे तुमने? भैया से 4-5 साल पहले, तो आज खिलाते थे दोबारा। ठीक है ठीक है ना, आज मूर्थल के पराठे है गाइस, और पार्टी दे रही है सिब्बूगिरी। बिल्कुल तेरी पार्टी पेंडिंग है बर्थडे वाली। अरे बिल्कुल, और वो 5-4 मिलियन वाली भी। भैया एक बात बताओ, मैंने आपको इनवाइट नहीं किया था बर्थडे में, खराब थी ना? तो मैं तो अभी भी कह रही हूँ, मैंने आपको मैसेज में डाला था कि आप चाहे जब आ जाओ, है ना? तो उस दिन नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, आज चल लेंगे। ठीक है, वो भी डिनर डिनर विद सुपर कार। हाँ डिनर विद सुपर कार, ये अच्छा है डिनर विद सुपर कार। भाई ये देखो रचित का फैन मिल गया, फोटो खिंचवाने के लिए गया है भागता भागता उसके पास दूर। पता नहीं भाई मैं इतनी दूर हूँ, मुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या चल रहा है। भाई एक फैन रचित का और आ गया है। अभी एक छोटा बच्चा आया था, अभी ये बच्चा फिर आ गया। बच्चा ये बड़ा है भैया, ये कौन है? बड़ा है ये तो। दो बंदे और आ गए, सही फैन फॉलोइंग है रचित की भी बहुत ज्यादा। जहाँ खड़ा हो जाता है वहीं पे देखना भीड़ लग जाती है। भीड़ तो नहीं कहेंगे, मतलब एक एक करके हम है ही ऐसे सुनसान, अभी अंधेरे में खड़े हैं, सुनसान इलाके पे, जंगल जंगल में भी। सो गाइज हम लोग निकल चुके हैं, मतलब जो भी राइड वाइड थी अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है। रचित ड्राइव कर रहा है, अभी रात के पता नहीं कितने बज रहे हैं, टाइम भी नहीं पता। और हम लोग भैया के घर चले गए थे, वहाँ पे टाइम हो गया 1 बज गया एग्जैक्ट, देख 1 बज गए एग्जैक्ट। अच्छा तो यार मैंने भैया के यहाँ पे कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं थे, पता नहीं जींस टाइट सी लग रही थी मुझे। तो अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं रचित? अभी हम जा रहे हैं मेरे घर पे। तुम्हारे घर पे क्यों? मेरे घर पे इसलिए कि इस गाड़ी को टेस्ट करूंगा ये मेरे घर तक पहुंच जाएगी या नहीं। अच्छा। गांव में मेरे चल जाएगी या नहीं। ओके तो भाई रचित एक बार अपने घर पे टेस्ट ड्राइव लेगा, उसके बाद हम निकलेंगे गुड़गांव। सो भाई रचित के घर पहुंच चुके हैं, वो रहा रचित का घर का मेन गेट। और अभी रचित ने फोन कर दिया मम्मी गेट खोल दो, अभी देखो गेट कौन खोलने आता है। भाई ये देखो चीनो ने गेट खोल दिया, ये हंस रही है वहीं से, देखो जूम कर दिया मैंने, पूरा जूम मार दिया, कैसे हंस रही है। तो भाई ये रही अपनी पोर्शे और ये रहा प्यारा सा डॉगी, कितना छोटी सा है। तो गाइस ये देखो ये कितने प्यारे प्यारे दो कुत्ते हैं, और इतने पतले पतले हैं, प्यारे से मासूम से। क्या नाम है इनका? सुंदरी मुंदरी। कौन सुंदरी है कौन मुंदरी है? ये जो व्हाइट वाला है सुंदरी, जो पीला वाला मुंदरी है। है भाई सुंदरी अभी रखा है मैंने 3 दिन मुंदरी सुंदरी मुंदरी। सो गाइज अभी रचित गया है अपने पापा को पोर्शे कार में लेके टेस्ट ड्राइव करवाने, तो फर्स्ट टाइम बैठे अंकल भाई पोर्शे में। आंटी अंदर गई है, चीनू बाहर बैठे, चीनू ये रही। अरे मैं वेट कर रही थी थोड़ी देर में तो आ जाएंगे, तो मैं ऐसी बाहर बैठ के वेट कर रही थी कब आएंगे। और वो देखो प्यारे प्यारे, ये देखो प्यारा सा डॉगी आप घूम रहा है अंदर नहीं आ रहा। ओ भाई क्या हो रहा है यहाँ पे? चाय पीने के बाद चल रहे? हाँ रचित रोज ही बनाएगा चाय यार ऐसे में। चलो 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 कर ला, तुम ऐसे ऐसे घर में चाय बनाओगे? तुम कुछ भी करो घर में, यही ऐसे बना दूंगा, ऐसे कोई दिक्कत थोड़ी है। फिर बेकार बनेगा तो भाई आज बनाएगा बीएम बना लेंगे तू, तो सही रसोई में पोर्शे लाने के बाद रचित ने बनाई घर में चाय। चीनू वो गेट पर लेके अंदर और सुबह लगाएगा पोछा, सुबह तक तो गुड़गांव पहुंच लेगा, अभी थोड़ी देर में माँ कहाँ लगाएगा ये? गुड़गांव में लगवा लेगा, गुड़गांव में अमन क्या करेगा फिर। चलो भाई बहुत देर हो गई बैठे बैठे, हमने चाय वाय पी, बहुत गप्पे मारे, गाड़ियों की बातें करी, अभी हम घर जा रहे हैं गुड़गांव। चले रचित बाय बाय।
डेली 3 बजे आके 2 बजे आके डेली तो नहीं आते, आते ही तो नहीं है, हम जब आते हैं रात में आते हैं। मतलब जब भी आते हो कहने का मतलब वही है कि आना तो मैं इसी टाइम पे देखो रचे लेकर घर आ गया। मैं भाई ऊपर जा रही हूँ। जस्ट इंडियन ए लड़के क्रॉस व्लॉगिंग मत कर। और विनय विनय और मिक्की देखो कैसे फंस के बैठे हैं दोनों। ये है जस्ट इंडियन थिंग, मिडिल क्लास फैमिली विद सुपर कार। भाई मिडिल क्लास फैमिली विद सुपर कार, यस। तो भाई यही देख लो कैसे फंस के बैठे हो बच्चे की तरह। चलो गाइस तुम लोग जाओ हांड के आओ, मैं तो सुबह से हांड रही हूँ। इसमें मैं पता है मिडिल क्लास या रिच क्लास और क्लास होनी चाहिए जो कि है मेर में। ओह नाइस, मैं 12th क्लास में हूं गाइस। ये अच्छा पंचता। चलो ठीक है बाय। हां एंजॉय, बाय 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 बाय। सो गाइस हम लोग घर वापस आ चुके हैं और बहुत ज्यादा नींद आ रही है, बहुत ज्यादा। इसके आगे ब्लॉगिंग मैं मेरी करने की हिम्मत नहीं है ना, आज मैं Q&A के आंसर दे पाऊंगी ना कुछ भी। रचित तो पता नहीं कैसे हिम्मत करके अभी ब्लॉग एडिट कर रहा है, वीडियो भी करनी है फिर। मैं फिर वीडियो करेगा, मैं तो चली सोने। मेरे को जो भी काम है मैं सुबह ही करूंगी। हालांकि रचित का ब्लॉग टाइम पे आ जाता है, मेरा टाइम पे नहीं आएगा क्योंकि मैं सोने जाऊंगी। पहले मैं नींद पूरी करूंगी, फिर उसके बाद जो काम करना है करूंगी। और Q&A के आंसर भी आपके गले दूंगी कल यार, अगर 5 देती हूँ। मेरा टाइम पे आता है, कभी कभार आगे पीछे हो जाता है 1-2 घंटा। हाँ यार, तो ना इस व्लॉग को मैं अभी एंड कर रही हूँ और मुझे काफी आपसे बातें करनी है मेरी गाड़ी को लेके। और आज रचित ने एक कार मेरे लिए पसंद तो करी है, वो क्या है क्या नहीं है वो सारी बातें मैं कल करूंगी। अभी के लिए बाय बाय, लव यू, लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। और अगर आप मेरे पास भी चाहते हो कि एक अच्छी सी कार हो तो भर भर के कमेंट करके बता देना यार। और मैं आपको तो पता ही है यार, रचित की कार का वेट कर रही हूँ। रचित की कार आते ही मेरी आ जाएगी। कर दो चीतो। कर दो चीतो। रचित तुम मेरे आगे कितने काले लग रहे हो यार। टैनिंग होगी ना मुझे बोल। चलो कोई नहीं, करते हैं इसका भी उपचार। बाय बाय, लव यू। पक्का रंग लेकिन दिल साफ ही आ रहा था। मेरा काला है ना, बोल दो खुल के। ये मैंने तो अपना बोला, खुद जिसका काला होता है वो खुद ही हाईलाइट करता है। देख लो गाइस, देख लो।